आज की हमारी इस वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम बात कर रहे हैं सिलेक्शन मेथड। हम बात करेंगे हाउ कैन सिलेक्ट द डेटा। उससे पहले हम बात करेंगे रेंज के बारे में कि हमारा रेंज का क्या रोल है, राइट। तो यहां पे मैं सब्जेक्ट दे रहा हूं और जैसे कि मैंने एमएम दे दिया ब्रैकेट ओपन क्लोज। तो रेंज को कॉल कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे A1 पे कर्सर रखना है, कैसे रखेंगे? उसका तरीका है कि आप यहाँ पे रेंज A1 डॉट सिलेक्ट या एक्टिवेट। A1 सिर्फ है तो सिलेक्ट करेंगे, एक्टिवेट करेंगे या सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर ज्यादा है तो सिर्फ सिलेक्ट ही होगा। या फिर आप लिख सकते हैं सेल्स 1,1, पहला रो पहला कॉलम डॉट सिलेक्ट, ठीक है जी। अब इस ए हो गए हमारे पास। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अगर एक एरिया सिलेक्ट करना हो तो कैसे होगा? एक तीसरा भी होता है जैसे कि एक्टिव सेल, और चौथा होता है सिलेक्शन, एक सिलेक्टेड एरिया। तो चार मेन ऑब्जेक्ट होते हैं आपके एक्सेल। अगर मान लीजिए मुझे A1 पे कर्सर रखना है तो हम यहां लिखते हैं रेंज A1 डॉट सेलेक्ट, लेकिन मुझे C2 के A1 में जाना, C2 के A1 में जाना, तो यहां पे ऊपर में पहले हम C2 को रेफर करेंगे सीट्स, और यहां पे देंगे seat2 डॉट सेलेक्ट, समझे? मतलब seat2 पे जाएंगे फिर यहां पे करेंगे। ऐसे मान लीजिए मुझे book2 के seat2 के A1 पे जाना है तो यहां हम लिखेंगे वर्क बुक्स, और यहां होगा हमारा book2.xlsx। या जो भी एक्सटेंशन है डॉट सेलेक्ट, यहां सेलेक्ट नहीं होगा, एक्टिवेट होगा ना, एक्टिवेट, ठीक है जी। समझ में आया आपको? तो सिलेक्शन करने का यही एक तरीका है जिससे हम सिलेक्शन करते हैं। इसमें सर अगर कॉमा लगा के हम दूसरी सेल भी दें, जैसे A1 है कॉमा उसमें C1 या कुछ भी, मैं बता रहा हूँ ये बता रहा हूँ। अब एक एरिया सिलेक्ट करना आपको, जैसे मुझे A1 से लेके मान लीजिए J17 करना है, तो एरिया सिलेक्ट करने का कोड होता है यहाँ पे दो तरीका है। एक तो है आपका एक्सेल का फॉर्मर A1 से लेके J17 डॉट सिलेक्ट, जैसे कि हम जैसे सम का फॉर्मूला लगाते हैं तो इसी तरीके से लिखते हैं ना, सेम इसी तरह से लिख सकते हैं। दूसरा आपका आता है वीवीएम मेथड, रेंज इनवर्टेड कॉमा में A1 कॉमा अगेन J17 डॉट सिलेक्ट, समझे? अच्छा सर, अगर इसमें ये सेलेक्ट करना हो कि जितना डेटा हो वो सारा ऑटोमेटिक रेंज सेलेक्ट हो जाए। बता रहा हूँ, ये आपका एक्सेल मेथड, ये आपका वीवीएम मेथड। जैसे कि आपने बोला कि मुझे पूरा सेलेक्ट करना, तो एक्सेल में कैसे करते हैं आप? कंट्रोल ए करते हैं ना, क्या सर? जी, कंट्रोल ए जो होता क्या है,
ये आपका फाइनल सिलेक्ट के अंदर गो टू स्पेशल में करेंट रीजन होता है ना, तो यहां पे हम लिखेंगे रेंज ए वन डॉट करेंट रीजन, करेंट एरिया हो गया, करेंट रीजन डॉट सिलेक्ट, ठीक है, टेक कंट्रोल ए कर देगा। लेकिन जैसे कि मैं रिकॉर्डिंग भेजा था तो उसमें कंट्रोल ए के अंदर में आप देखे थे कि आपका सिर्फ ए सिलेक्ट होता है, इसके बाद बाकी सिलेक्ट नहीं होगा ना, तो प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात करते हैं कर्सर को कैसे मूव करेंगे। जैसे ऊपर से मुझे डायरेक्ट नीचे लेके आना, उससे पहले अभी अभी जो सुधीर जी ने पूछा कि मुझे कुछ सिलेक्टेड सेल सिलेक्ट करना है, तो जो आपने बोला था कि कॉमा कर सकते हैं, जी हाँ सही बोला आपने, सी वन डी वन एफ वन ऐसे आप कर सकते हैं डॉट सिलेक्ट। लेकिन ध्यान रखिए कि आप यहाँ जो सिलेक्ट कीजिए या कॉपी सिलेक्ट कीजिए या डिलीट कीजिए तो चीजें कर सकती है, पर कॉपी मत कीजिए, कर पाएंगे आप यहाँ पे लिखें कॉपी तो गलत हो जाएगा। अच्छा दी सिलेक्ट कॉमा लगा के हम कोई भी सेल्स लगा दें ये सिलेक्ट कर देगा। जी कॉपी करते समय ध्यान रखिएगा कि C1 D1 F1 तीनों कॉलम है, मतलब कि यहाँ पे C1 D1 F1 एज सिलेक्ट है तो ये कॉपी हो जाएगा। जी लेकिन आपने बोल दिया कि A1 C C3 E5 G G आपका है रैंडम, रैंडमली जो होगा वो कॉपी नहीं होगा। अगर रैंडमली सिलेक्ट हो जाएगा पर कॉपी नहीं होगा। जी हाँ समझ गए, ठीक 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 आपको समझ में आया विचित्र जी, सुंदर जी समझ में आया? क्लियर क्लियर। अब कर्सर मूव करने की, मैं ऊपर से डायरेक्ट नीचे कर्सर लेके आता हूँ, कैसे लेके आता हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे रेंज जहां से कर्सर लेके आना है उसका लोकेशन डॉट एंड, और यहां देंगे एक्सलेश डाउन डॉट सेलेक्ट। लेकिन ध्यान रखिएगा जब ये लाइन यूज करते हैं तो बीच में ब्लैंक नहीं होना चाहिए, अगर ब्लैंक हुआ तो ऊपर ही रह जाएगा। अब मान लीजिए आपके सेल में ब्लैंक है तब क्या करेंगे, हालांकि यूज तो हम यही करेंगे लेकिन थोड़ा सा चेंज करेंगे इसमें। हम बोलेंगे कि भैया तुम जाओ ए 65,000 या 10,00,000 इतना अमाउंट दे देंगे डॉट एंड, और यहाँ पे हमने बोला कि एक्सेस डाउन लेफ्ट अप राइट, तो यहाँ पे अप करेंगे, अप को सिलेक्ट किया और यहाँ किया डॉट सिलेक्ट। ये क्या करेगा कि आपके जो कीबोर्ड है इसके अंदर ए 65,000 पे जाएगा और यहां से कंट्रोल अप एरो का इस्तेमाल करेगा, कंट्रोल अप एरो, तो सबसे लास्ट में पहुंच जाएगा। अब इसी में सबसे लास्ट के बाद अगला ब्लैंक आपको चाहिए तो क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे करेंगे ऑफसेट, जितना रो और जितना कॉलम चाहिए उतना सिलेक्ट कर, ठीक है विचित्र जी, सुरेंद्र जी एक बार और इसको ऑफसेट तो 1 माइनस करता है, बट एक बार और एक बार बताइए, पहले गया 1A65000 गया देन ऑफ गया, क्या है कि हमने क्या किया, हमने ऊपर से नीचे आ पाए, ऊपर से नीचे आने में डेटा ब्लैंक हो सकता है ना, तो हम नीचे से ऊपर चले जाते हैं, तो मैंने यहां से जब कंट्रोल अप करेंगे तो लास्ट जहां डेटा मिलेगा वहीं पर रुकेगा ना कर्सर, राइट राइट राइट। लेकिन मैं चाहता हूं जहां पर कर्सर रुका ना वहां से एक रो नीचे आ जाए या एक कॉलम आगे चल जाए या ऊपर चल जाए, समझे, तो उस केस में आप अप के बाद ऑफसेट का इस्तेमाल करें। ऑफसेट में रो एंड कॉलम होता है, तो 1,0 कर दिया तो क्या हो गया कि सिर्फ एक रो नीचे आएगा, ठीक है। अगर मैंने यहां पे एक रो और एक कॉलम कर दिया तो क्या होगा, एक रो नीचे और एक कॉलम आगे आएगा, एक रो नीचे और एक कॉलम। तो बेसिकली ऑफसेट के बाद ब्रैकेट के बाद जो स्टार्ट होता है वो रो होता है, राइट वाला होता है कॉलम, राइट। हाँ हाँ लिखा रहेगा, अब जैसे ऑफसेट लगाएंगे ना नीचे आ जाएगा। चाहिए जो ऑफसेट का यूज है
वो हम क्यों करते हैं और बताएंगे कर्सर को मूव करने के लिए अपने हिसाब से कर्सर को मूव करना। हाँ क्लियर है, ठीक है ठीक है। इसका आप एग्जांपल ही बताऊंगा, फिलहाल समझ लीजिए कर्सर मूव करने के लिए ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर लास्ट लास्ट वाला ही ब्लैंक हो जाए, मतलब लास्ट वाला एक ब्लैंक हो, तब ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर जाएगा ना। तो आप ऐसा कलर ढूंढे जो ब्लैंक ना हो। हाँ तब यही है, हाँ ये दिक्कत है, लास्ट वाला ब्लैंक होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए एक काम और कर सकते, जैसे मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो किया और हम इसके यहाँ सेलेक्ट किए और मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट कीबोर्ड का एंड की दबा दिया। हाँ जी हाँ जी, देखिए अच्छा इन्होंने बनाया सिलेक्शन से एक्टिव सेल, एक्सेल लास्ट सेल, ये उसमें तो दिखाता नहीं है, मैं एक्सेल लास्ट सेल स्पेशल सेल में दिखाएगा। अच्छा स्पेशल सेल्स में एक्टिव सेल डॉट स्पेशल सेल्स, हाँ जैसे कि यहाँ पे हम यहाँ पे है ना, यहाँ कैसे होगा कि आप यहाँ करेंगे रेंज, रेंज हो गया स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ए वन हो गया जी जी जी, कॉमा एंडिंग पॉइंट के लिए अगेन रेंज ए वन हमने डाला डॉट स्पेशल सेल। अच्छा स्पेशल वाली कहानी, और यहाँ पे हम कर देंगे एक्सेल लास्ट सेल, यहाँ पे आएगा है ना, हाँ यहाँ से देगा और स्पेशल सेल्स में बहुत गर्म हो रहा है, समझे। सो ये सिंटैक्स ये बोल रहा है कि A1 से लेके J17 तक अपने आप डायनामिकली सिलेक्ट कर लिया, राइट। हाँ ये इसने क्या किया, ये देखिए यहाँ पे देखिए सिलेक्शन करने का दो मेथड है, बोलता है तुम स्टार्टिंग दो एंडिंग दो, हम पूरा सिलेक्ट कर लेंगे राइट यहाँ से यहाँ तक। तो स्टार्टिंग तो हमने यहाँ दे दिया ना A1, एंडिंग हमें पता नहीं, तो एंडिंग के लिए हमने यहाँ पे इससे मांगा कि भाई A1 से स्पेशल से लास्ट सेल को ले लो, तो ये क्या करेगा कि यहाँ जो लास्ट सेल होगा उसकी बात रेंज को दे देगा। यहाँ पे हमने दो कोड को मर्ज कर दिया, ये ठीक है ठीक है। अब जैसे कि यहाँ भी होता है ना कि मैं यहाँ पे कंट्रोल सेफ राइट एरो और डाउन एरो करना चाहता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा रेंज हमने बोला कि भाई स्टार्टिंग तो हमारा A1 है, एंडिंग के लिए हमने बोल दिया कि रेंज A1 से डॉट एंड कहां तक चले एक्सेल टू लेफ्ट डॉट सेलेक्ट, समझे। तो ये क्या करेगा यहां से कंट्रोल शिफ्ट इसको सेलेक्ट कर देगा। अब इसी सिलेक्शन को नीचे लेके आना है, तो यहां पे करेंगे रेंज, अब मुझे नहीं पता ना कि कितना एरिया सिलेक्ट है, लेकिन इतना पता है कि सिलेक्शन हमें पता है ना सिलेक्शन होता है, तो जो एरिया सिलेक्टेड है जैसे यहाँ पे जो एरिया सिलेक्टेड है A1 से J1 सिलेक्ट है ना, इसको एक्सेल मानेगा सिलेक्शन। तो हमने बोला कि सिलेक्शन कॉमा सिलेक्शन डॉट एंड एक्सेल डाउन डॉट सिलेक्ट, यहां दो कोड को मर्ज कर रहे हैं, तो दो लाइन इकट्ठा लिखाएगा तब जाके ये डेटा सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन वही रीजन है कि ब्लैंक हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा। अब ब्लैंक हुआ तब क्या करेंगे, तो वहां पे हम एक और मेथड यूज करेंगे कि R इक्वल टू मैंने यहां पे दिया रेंज A65000 डॉट एंड एक्सलेश अप डॉट रो, ठीक है। तो ये क्या करेगा 17 नंबर जो रो है नीचे से ऊपर जाएगा और 17 नंबर रो जो है आर पे स्टोर कर देगा। फिर हमने सी लिखा और यहाँ पे लिखते हैं सेम रेंज और यहां पर हम करते हैं XFD1 डॉट एंड और यहां पे हम कर रहे हैं XL2 राइट डॉट कॉलन, तो यहाँ ब्रैकेट क्लोज हो गया, माफ कीजिएगा ब्रैकेट क्लोज ही है ना, डॉट कॉल
तो लास्ट का जो कॉलम है जे नंबर कॉलम जो उसका नंबर एंड 17 नंबर नंबर ये हमारा आर और सी पे स्टोर। अब डेटा सिलेक्ट करने के लिए हम लिखेंगे रेंज ए वन, स्टार्टिंग ए वन फिक्स है हमारा, एंडिंग में हम यहाँ पे कर देंगे सेल। अब सेल्स क्यों करेंगे, क्योंकि रो भी नंबर में है कॉलम भी नंबर में है, और रो का नंबर कॉलम नंबर में हो तो क्या करेंगे हम सेल यूज करते हैं, बताया था ऊपर मैंने आर कॉमा सी डॉट सेलेक्ट ब्रैकेट। समझ गया, समझ में आया आप सबको? क्लियर है? हाँ सर। तो ये हमारा था डायनेमिक सिलेक्शन। अब मान लीजिए कि आपको एक साथ कई सारे शीट सिलेक्ट करते हैं ना कंट्रोल प्रेस करके, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए लिखा है यहाँ पे शीट्स, शीट्स में देंगे एरे और फिर इन्वर्टर कॉमा में दे दिए शीट के नाम सारे, शीट वन कॉमा शीट, यहाँ पे शीट इन्वर्टर कॉमा देना, ठीक है, शीट टू ऐसे लास्ट में कर दीजिए सिलेक्ट, ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? जो सबसे लास्ट लाइन है, सो जो हमने एरे यूज किए, सीट्स हो गया हमारा एरे, रादर देन सीट 1 सीट 2 तो सीट्स हम यूज कर सकते हैं, यही है ना? हां, मल्टीपल कंट्रोल में सेलेक्ट करते हैं हम लोग उसके लिए, तो सीट्स मतलब हमारा हो गया सीट 1 भी हो गया सीट 2 भी हो गया, जो भी हमने यहां पे विद इन द ब्रैकेट डाले। जी जी। और एक क्वेश्चन है सर इसमें, बोलिए। मैं ये बोल रहा हूं जो हमने सिलेक्शन जो किए हैं, मतलब डेटा रेंज के जो सिलेक्शन किए, सबसे बेस्ट मेथड जो हमने इतने चेक किए मतलब यूज किए, उसमें से सबसे बेस्ट डायनेमिक सोर्स कौन सा है? सर वो तो डिपेंड करता है डेटा सोर्स पे, आपका देख लीजिए कि डेटा आपका नॉर्मल ठीक ठाक है तो आप यहाँ क्रेन टीजर ही लगा लेते। अगर मेरे पास बहुत ही मतलब कॉलम पूरा फुल है, मुझे पता ही नहीं कि कैसे मतलब कहीं पे ब्लैंक है क्या है, मैं आप तो ये सही रहेगा, ठीक है, ए मेथड कर ले, लेकिन आपको ये भी कंफ्यूजन है, तो जब प्रोसेसिंग टाइम इसमें ज्यादा लेगा क्या नहीं, या नहीं? नहीं, क्योंकि पहले नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा, नहीं उतना बहुत ही कम, माइक्रो सेकंड भी कम लगा, पता नहीं चलेगा। ठीक है। और कोई डाउट? तो आज हमने आपको सिलेक्ट करना सिखाया है, अब इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि आगे की मोस्टली क्लास इसी पे डिपेंडेंट होगा। ठीक है, आगे का मोस्टली क्लास जो है उसी पे डिपेंडेंट होगा, तो प्लीज इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से, और फिर अगली क्लास में, कल की क्लास में हम बात करेंगे आपके साथ कैसे हम टाइप करेंगे। अभी हमने सिलेक्ट करना सिखाया ना सर, अब अगली क्लास में हमको बताएं, हम बताएंगे आपको कि इसको हम टाइप कैसे करेंगे। सर ये हमारे ग्रुप में भेज दो, वीवीए वाला ग्रुप।